कला क्षेत्र में जाने की क्या आवश्यकता है? मैं क्योंकि खुद वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि हालांकि हमारे घर में ये नियम था कि भाई पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, मेरे पिता का ये कहना था कि पहले पढ़ाई कर लो जितनी करनी फिर सीखो, बहुत उन्होंने मुझे आज़ादी दी, बहुत सहयोग किया मेरा कि मैं सीख सकूँ। बहुत काम किए मैंने, मतलब नृत्य भी किया, रेडियो में नाटक भी किए, अनाउंसमेंट भी किया, गाना भी सीखा, बहुत तरह की चीज़ें की, और मुझे उसके लिए उन्होंने फ्रीडम दिया, और मुझे उसके लिए मेरा एक पिता और माता के रूप में बहुत बड़ा सहयोग मिला, जो कि मैं देखती हूँ कि सारे अभिभावक कोशिश करते हैं अब भी कि उनके बच्चों को कम से कम एक ललित कला आए, और कोशिश बहुत जतन करते हैं बच्चे, अपने माँ बाप अपने बच्चों को लेके आते हैं, घंटों प्रतीक्षा करते हैं कि ये क्लास हो जाए, पेंटिंग की हो जाए, डांस की हो जाए, म्यूजिक की हो जाए, उनका जतन का बहुत बड़ा योगदान मैंने भी फील किया है, और मैं जानती हूँ कि आप सब ऐसा करते हैं। तो कलाओं की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि वो इंसान को इंसान बनाती है, क्योंकि उसके बिना, जैसे अभी पायल कह रही थी आपसे कि पशु है इंसान बिना सींग और पूंछ के, तो इसलिए कलाएं जरूरी है, जिंदगी को जीने के काबिल बनाती है कलाएं, ये सब आप लोग जानते हैं। अगर हम वैसे चाहें कि कला का एक, मतलब लोगों ने कैसे परिभाषित किया है कला को, कोई कहता है सब या आपका एक्सप्रेशन अभिव्यक्त करने की जो आपकी कुशल ताकत है वो कला है। प्लेटो कहते हैं कि कला सत्य की अनुकृति है, रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि कला में मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, और टॉल्स्टॉय कहते हैं कि मनुष्य अपने भावों को इस प्रकार व्यक्त करना कि उसे देखने या सुनने में वही भाव पैदा हो जाए। अब ये हमारे यहाँ जो भारतीय अवधारणा है रस की, उसके बहुत निकट है, हालांकि हमारी अलग ही अवधारणा उनकी अलग, लेकिन रस की भावना कैसे है कि पहले हमारे जो भी कलाकार है उसके मन में एक भाव पैदा होता है, वो उसे संप्रेषित करता है, फिर वही भाव दर्शक के मन में आता है, वो आइडेंटिफाई करता है, और उससे उसको आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये एक, आप लोग तो विद्वत जन है जो टीचर्स बैठे हैं, बच्चों के लिए कहना चाहूंगी कि कैसे कला के लिए, बहुत सिंपल सी बात, एक हमारे नाट्य के गुरु थे, वो कहते थे चीजों को अपने सही स्थान पर रखना कला है। कहाँ रखना चाहिए, कैसे, उस जगह को अपने सही स्थान पर रखना है, तो वो कला है। और इसके संबंध में मुझे लेखिका का नाम याद नहीं, मगर एक बहुत सुंदर पंक्तियां हैं दो, कि कला, यहाँ उसके लिए कविता का शब्द इस्तेमाल है, ये तो तय है कि कविता से तुम रोटी नहीं पाओगे, ये तो तय है कि कविता से तुम रोटी नहीं पाओगे, लेकिन कविता पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे तो रोटी सलीके से खाओगे। तो ये सलीका जो है यही कविता, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मालूम नहीं किसी ने लिखा, लेकिन मुझे लगता है ये सलीके की जो बात है ये हमारे कला के उसमें बहुत सही है, ये सलीका हर चीज का, वही कला, वही कला है। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि कला का संबंध बहुत, मतलब जब से आदमी ने शायद थोड़ा समझना सीखना शुरू किया होगा, तो उसने गुफाओं पे चित्र बनाए, मैंने भी देखे भीमबेटका में जाके, या उसने मिट्टी के बर्तनों को डेकोरेट करना शुरू किया, तो बहुत पहले से कुछ संजोना, कुछ बनाना, ऐसा कुछ। अब उसमें हम देखते हैं कि एक तो है कला और दूसरा है क्राफ्ट, कौशल। तो हमारे भारतीय उसमें माना जाता है सब ललित कलाएं हैं और उपयोगी कलाएं हैं। तो ललित कलाओं में, उपयोगी कला में हमारा कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, टुकड़ी बनाना, ये सब चीज़ें जो हम उपयोग करते हैं, और सुंदर ढंग से रंगोली बनाना चीज़ें, ये सब सुंदर। और है दूसरी ललित कलाएं। ललित कलाओं में क्या क्या आता है? उसमें आता है साहित्य, संगीत, संगीत मतलब हमारे यहाँ गायन वादन नृत्य में सब संगीत है, और हमारे स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, ये सब हमारे यहाँ, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कोई भौतिक तो सुख नहीं मिलता। अगर आप पूछे तो अब क्या मिलता है इसमें, आपको कुछ मिलता है क्या गाना गाने में या बैठ के सुनने में या कुछ? हम नहीं कह सकते हमें क्या मिलता है, लेकिन उससे एक आत्मिक सुख, एक आत्मिक शांति मिलती है, और वही उसकी उपलब्धि है, वही उसकी उपलब्धि है जो हमको मिलती है। तो ललित कलाएं ये हमारे यहाँ, ये और एक दूसरा भी क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, दृश्य कलाएं, हम चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य, इनको हम देखते हैं,
दूसरा है प्रदर्शनकारी कला, यानी कि नाट्य कला और जिसमें नृत्य संगीत सब कुछ परफॉर्मिंग आर्ट आता है। अब परफॉर्मिंग आर्ट कैसे, कि परफॉर्मिंग आर्ट का क्या कारण है, आप एक अगर पेंटिंग बनाएं आप उसको सुधार सकते हैं, गलती हो गई सुधार सकते हैं, आप एक मूर्ति बनाएं शायद उसमें भी संभावना है कि आप सुधार सकें, लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट उसी क्षण है, मंच पे तभी हो रहा है और उसके बाद नहीं हो रहा है, अब उसको नहीं सुधार सकते हैं। आपने एक टुकड़ा गलत लगा दिया तो भी गलत लगा दिया, वो बेताला आया तो आ गया, इसलिए क्योंकि उसमें बहुत वेरिएबल्स, मतलब जब हम मंच पे करते हैं हम भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत डरते भी हैं, भगवान ये अच्छा हो जाए सही हो जाए, हमेशा मैं तो इतनी डरपोक हूँ मंच पे जाने के लिए, आपको क्या बताऊं, अभी तक डरती हूँ, पूरा जीवन निकल गया, क्योंकि वो संयोग जब सब चीजें सही बैठ जाए वो बड़ा मुश्किल होता है। यानी आप मंच पे आया, आपका फ्लोर अच्छा है, आपकी सुंदरता के साथ आपकी रिहर्सल अच्छी है, आपके म्यूजिशियन आपके साथ अच्छा सहयोग दे रहे हैं, आपकी लाइट अच्छी है, घुंघरू की आवाज सही आ रही है, कि इतनी चीजें होती हैं और दर्शक, मैं तो कहती हूँ कि एक कार्यक्रम का कम से कम 75% हिस्सा दर्शकों के रिस्पॉन्स में, अगर आप मुझे इस समय सुनेंगे नहीं तो मैं किससे बात करूंगी, तो दर्शकों का कॉन्ट्रीब्यूशन, उसकी दाद, वही तो अभीष्ट है कलाकार का, ये सारे इतने वेरिएबल्स होते हैं जिनकी एक जगह बैठना, एक साथ होना, ये एक बहुत बड़ी बात, इसलिए प्रदर्शनकारी कलाएं वो तब है और तब, नाटक भी ऐसे ही है, आपने कुछ गलत कर दिया तो गलत हो गया, तो इसके लिए क्या चाहिए, बहुत ज्यादा अभ्यास चाहिए, बहुत ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, बार 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 वही वही चीज करना होता है, तो ये कला है। और साहित्य कला में तो हमारे यहाँ सभी कुछ आता है, इतना वो बहुत बड़ी सी चीज, एक तरह से हम ये क्लासिफाई इस तरह से कर सकते हैं। अब जो कहा जाता है सब ये जो कलाएं हैं ये हमें ब्रह्मानंद हमें प्राप्ति होती है, कैसे होती है ब्रह्मानंद, आप भगवान के पास तो चले नहीं जाते पर ऐसे होती है ब्रह्मानंद प्राप्ति के उस समय के लिए, उस कुछ क्षण के लिए, कुछ कुछ घंटों के लिए आप और सब तनाव चिंता दुख सबसे अलग हो जाते हैं और एकदम निर्मल सुख, एक बहुत निर्मल सा आनंद आपको प्राप्त होता है, इसीलिए उसको ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं, कि वो आनंद ऐसा है शुद्ध विशुद्ध, ऐसा नहीं है कि आप किसी डिस्को में नाच रहे हैं वो वाला आनंद नहीं, ये एक आपको, इसीलिए हमारे यहाँ आध्यात्म, भारतीय संस्कृति में हर कला जो है वो अपने को आध्यात्म से जोड़ती है, आप मूर्तियां बनाएंगे तो आप ईश्वर की बनाएंगे, पेंटिंग बनाएंगे तो ईश्वर की बनाएंगे, संगीत गाएंगे तो आप ईश्वर का भजन कीर्तन सब कुछ जो है ध्रुपद गाएंगे वो आप आध्यात्मिक, और नृत्य तो पूरी तरह से जितनी भी नृत्य की शास्त्रीय विधाएं हैं वो सब आध्यात्म से ही शुरू होती है, मंदिरों से शुरू होती है और आगे उनका एक्सटेंशन हुआ है, तो इसलिए हमारे यहाँ जो एक बात है हर चीज में ईश्वर को मानना, उस आध्यात्मिक तत्व को रखना, ये एक भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी देन है। तो अब है कि कला का हमें उद्देश्य क्या है, कला क्यों, कला का शिक्षण क्यों, इसलिए चाहिए, तो जैसे मैं आपसे कह रही थी कि बौद्धिक शारीरिक और मानसिक विकास, बच्चों के लिए बात है, इसके लिए कला चाहिए, बौद्धिक शारीरिक मतलब आपको दिमाग कुछ एनर्जी लगती है, आप सोचते हैं उसको कि हम कैसे करें अपनी, और दूसरी बात है कि हमारा अपनी संस्कृति अपनी रूट से लगाओ, अगर हम कहीं कहें कि हम हिंदुस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं, हम क्या प्रेजेंट करते हैं उस समय, माना कि कलाएं शायद सरकार की प्रायोरिटी पे भोजन और उसकी तरह इम्पोर्टेंट नहीं होगी, मगर अगर हमें अपनी पहचान दिखानी तो सबसे पहले अपनी कलाओं की याद आती है कि अपनी एक अच्छी मूर्ति, एक अच्छी पेंटिंग, अच्छा गाना, एक प्रोडक्शन, क्योंकि वो हमारी संस्कृति है, क्योंकि वो जड़ है हमारी, क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं सोच सकते हैं, तो अपनी संस्कृति से लगाओ और उसका संरक्षण, ये बच्चे जो आज सीख रहे हैं कलाओं को कर रहे हैं, कल ये इसकी परंपरा निभाएंगे और इस तरह से इसका संरक्षण करेंगे, बच्चों में या बड़ों में कल्पना, उत्सुकता, सौंदर्य बोध, सृजन की इच्छा, इसको कहाँ लगाए, इस रंग को कहाँ लगाए, इस रंगोली में कौन से रंग इस्तेमाल करें, हम कौन सी पेंटिंग यूज करें, हम क्या मतलब कैसे, तो सृजन करने की क्षमता, एक काम करना, अपना आत्मबल बढ़ता है, अपना आत्मविश्वास बढ़ता है, मैंने अगर नृत्य नहीं सीखा होता तो शायद मेरे अंदर
बहुत कमी होती है आत्मविश्वास की, मैं उससे कहती हूँ। और आप सब इस बात को रोज अनुभव करते होंगे कि एक कोई चीज अगर आप अच्छे से जानते हैं तो आपका पढ़ाना हो सकता है, पढ़ना हो सकता है, वो आपको बल देता है, कॉन्फिडेंस देता है। अगर और बहुत सी चीजें नहीं भी हैं तो आप उससे आप मतलब घबराते, तो एक कॉन्फिडेंस। और एक एक हम जब सोचते हैं क्या यार रोज रोज रियाज, अब कितने साल करेंगे रियाज, थक जाते हैं, शरीर का काम है नृत्य करना या गाना या कुछ भी, लेकिन वो जो कर लेते हैं ना जब जिस दिन बोलते हैं हाँ, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, आज हमने ये किया, एक उपलब्धि का एहसास, ये सब मिलता है आपको कलाओं से। और सबसे बड़ी बात एक अनुशासित जीवन मिलता है, मतलब वरना ऐसा होता है कि अच्छा भैया आराम करो, आज उठते ही नहीं, आज करते ही नहीं, लेकिन नहीं, अगर आपको कुछ सीखना है करना है, आपको उठना है, आपको उसमें टाइम देना है, आपको उसको बार बार रिवाइज करना है, तो अनुशासित जीवन आपको देता है, यश देता है, आपको समृद्धि देता है, आपको एक करियर देता है, और सबसे बड़ा आपको एक रचनात्मकता देता है। वो सारे बच्चे या बड़े जो कुछ रचनात्मक काम करते हैं वो डिस्ट्रक्टिव काम नहीं करेंगे, मेरा अनुभव है कि उनका ध्यान वहाँ जाएगा नहीं, वो हमेशा कुछ रचनात्मक काम करेंगे। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को उस डिस्ट्रक्टिव प्रवृत्ति से हम दूर ले जाएंगे, तो इसलिए बच्चों को सीखना सिखाना आवश्यक है। संस्कृति की अगर हम बात करते हैं तो क्या होती है संस्कृति, हमारा खान पान, हमारा बोल चाल, हमारी माइथोलॉजी, हमारा आध्यात्मिक विश्वास, हमारा ये सब जो है इसको हम संस्कृति कहते हैं। और भारत में जो बातें बहुत ही कहा गया बार बार का वाक्य है कि साहब बहुत बड़ी विविधता है, विविधता है ऊपर से लेके नीचे तक, बहुत बड़ी विविधता है, लेकिन सबके अंदर एक आत्मा है, एक बात है, एक तरीका है, और जिसकी व्याख्या भी पायल ने सत्यम शिवम सुंदरम की तरह की थी। तो एक बात है, वो एक बात है हमारे अंदर, हमें लगता है किसी के घर जाएंगे तो हमारा स्वागत होगा, वो मेहमान नवाजी, वो अखलाक जो है हमें पूरे देश में मिलता है। तो ये एक बात होती है। मैं इसके मामले में एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम लोगों के बहुत रिस्पेक्टेड आदरणीय योगेश प्रवीण जी ने ये कहा है। तो इसमें है कि सच है अखलाक, यानी कि शिष्टाचार, कर्सी, मैनर्स, सच है अखलाक ही तहजीब, यानी संस्कृति, सिविलाइजेशन, सच है अखलाक ही तहजीब की जां होती है, आपका मैनर्स ही आपकी तहजीब की जां होती है, फूल खिलते हैं तो आवाज कहाँ होती है, वो जो इनहेरेंट आपके अंदर बात है, एक शिष्टाचार, एक बोलना, एक चालना, एक बर्दाश्त का गुण, एक अच्छी, और हम लखनऊ के होके, अवध के होके, हमें तो ये बहुत जरूरी है, ये रिफाइनमेंट, ये बात, ये सब न केवल हमारी संस्कृति में है बल्कि हमारी सारी कलाओं में भी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे है वो भी, ये भी एक बहुत जरूरी बात है। मैंने रस की बात की, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी बहुत ज्यादा इसको क्लिष्ट न बनाते हुए, कि हमारी सारी कलाएं आपस में संबंधित हैं, उनका एक अपना अंतर संबंध है। जैसे अगर हम पेंटिंग्स करते हैं तो उससे हम नृत्य वाले लोग भी रंगों के संयोजन, मेकअप, कॉस्ट्यूम, इसकी शिक्षा लेते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम नृत्य करती हुई प्रतिमा को हजारों लोगों ने मंदिरों में उकेरा है, अब जब देखते हैं आप जाके कि हाँ वो नृत्य करती हुई एक प्रतिमा है, तो इन कलाओं का आपस में संबंध है। साहित्य के बिना तो हम मैंने ना तो संगीत की कल्पना कर सकते हैं और ना नृत्य की, क्योंकि नृत्य में जो कुछ होता है वो यही होता है कि एक पद होता है, एक साहित्य होता है, उसको संगीतबद्ध किया जाता है, फिर उस पर नाचा जाता है, और अपने दैहिक अंगों की भाषा से और अपने आंखों की, यानी कि मुख की भाषा से आप उस पद का अर्थ प्रकट करते हैं। तो साहित्य के बिना संगीत फिर अगर नृत्य साहित्य के बिना हो भी सकता है शायद, लेकिन संगीत के बिना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले आपको उसका म्यूजिक चाहिए, बैकग्राउंड जो उस पर आप नाचेंगे, वो लहरा हो, वो भजन हो, वो ठुमरी हो, वो श्लोक हो, वो कुछ भी हो, लेकिन आपको वो चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता। तो साहित्य, संगीत, कविता, पेंटिंग, मूर्ति कला, ये सब एक दूसरे की एक मतलब सहयोगी कहना चाहिए, एक विधा है। और हमारे जो नाट्यशास्त्र में जो अवधारणा है वो यही था कि एक हम नाटक की बात करते थे जिसके ये सारे अंग होते थे, नृत्य भी उसका एक अंग है, संगीत भी उसका एक अंग है, नाट्य तो वो था ही था। तो एक कॉम्पोजिट कल्पना, हमारे ऐसा नहीं अंग्रेजों का वोकल अलग होता है, डांस अलग होता है, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ये उसी का हिस्सा है। और
काम करते हुए अपने जीवन में मैंने ये अनुभव भी किया है कि सब चीजें एक को सहयोग करती हैं। नाटक किया मैंने कई साल और बहुत अच्छा सीरियस थिएटर लखनऊ में एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था दर्पण के नाम से होती, इसमें मैं बहुत साल नृत्य निर्देशन भी किया और नाटक में भी काम किया। तो मैंने सीखा, मैंने समझा कि अगर आप नाटक करते हैं तो आप ब्लॉकिंग समझते हैं, आप आना जाना समझते हैं। अगर आकाशवाणी में काम किया नाटक का, मैं वहाँ बहुत मजा आता है, आकाशवाणी में काम करने में बहुत ही मजा आता है, जहाँ आपके सामने कुछ होता नहीं, आप सिर्फ कल्पना करते हैं, नाटक रेडियो नाटक सुनते हैं और आपकी एक कल्पना बना देते हैं। ये भी अभिव्यक्ति, ये सारा अभिनय है, मतलब मेरे पास बोलने के लिए इतना, लेकिन आज तक मैं कितना बोलू। अच्छा, तो ये अभिनय की एक वो है, तरीका है। तो ये जो चीजें हैं, तो आपको संवाद करने की शिक्षा मिलती है, आप कैसे अपने दर्शकों को एड्रेस करें, बात करें, कैसे समझाएं, ये सारी चीजें। संगीत आता है तो जिसको सुर आता है उसको नृत्य बहुत अच्छा आता है, क्योंकि वो उसको, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अगर मुझे एक अच्छा सा वॉयलिन का आलाप मिले या एक अच्छा सा सारंगी या एक अच्छा सा सितार का संकृत हुआ मिले, तो मेरे को लगता है कि मेरे अंदर दम आ गया है, जान आ रही है, मैं उसको अभिनय को और अच्छे से प्रकट कर सकती हूँ, चाहे वो नृत्य हो या वो नाटक हो। तो ये सब परस्पर सहयोगी विधाएं हैं, और ये जो है अगर हम सब ना सीख सके तो कम से कम थोड़ा थोड़ा ज्ञान इनका ले सके तो हमें हेल्प करेगा, और बच्चों को जो अच्छा लगता हो, जो विधा उनको अच्छी लगती हो, उसको भी करेंगे तो उनके व्यक्तित्व का एक बहुत अच्छा विकास होगा उनका। अब नृत्य क्या है, क्योंकि मैं नृत्य वाली हूँ तो नृत्य के बारे में थोड़ी बात तो करूंगी। नृत्य क्या है, उल्लास की, चरम उल्लास की, कोई खुशी होती है, आदमी कहता है खुशी से नाच गया, तो उल्लास की। वैसे आप इसकी डेफिनेशन पर जाए तो साहब ये अंगों और भावों की सौंदर्यमयी भाषा है, आप ऐसे कहें, लेकिन वैसे क्या है, एक आदिम उल्लास है, पहले पहले आदमी ऐसे ही नाचा होगा, एक उल्लास। नृत्य की हमारे पास बहुत सारी शास्त्रीय विधाएं हैं, अब शायद लगभग 8 है, उसमें कथक है, मणिपुरी है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, उड़ीसी है, अब सत्रीय भी ऐड हुआ है, मोहिनीअट्टम है, कथकली है, मतलब तमाम हमारी विधाएं। लेकिन सारों, सबका जन्म कहाँ हुआ है, लोक से, चाहे वो संगीत हो या वो नृत्य हो, सब लोक नृत्य होते हैं, लोक संगीत से, फिर वो धीरे धीरे रिफाइन होते गए, उस शास्त्रों के नियमों में बंधते गए, उनके नियम बने, और वो और क्षेत्रीयता, एक क्षेत्र जैसे जो साउथ वाले होंगे वो कर्नाटक संगीत में नृत्य करेंगे, जो आवाज नहीं आ रही है, क्या आ रही है ना, हाँ, या जो हम उत्तर प्रदेश के होंगे वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को अपना आधार लेंगे, मणिपुरी वाले अपना आधार लेंगे, बंगाल वाले अपना आधार, तो एक करके क्षेत्रीयता से अलग अलग शास्त्रीय नृत्य बन गए हैं, पर सबका जन्म लोक से ही हुआ है। और जो शास्त्रीय गायन की भी जो विधाएं हैं, जितनी भी विधाएं हैं, गायन की कौन कौन सी विधाएं हैं, शास्त्रीय संगीत है, उपशास्त्रीय संगीत है, लोक संगीत है, भजन है, ध्रुपद है, कीर्तन है, तमाम तरह की विधाएं, इन सब का भी जो एक परिष्कार होता गया, उसका एक नियमबद्ध होता गया, शास्त्रबद्ध होता गया, और ये भी आज हमारे सामने एक एक अलग अलग, लेकिन ये है आपस में सब जुड़े हुए हैं, इनका आपस में संबंध है। अगर हम कथक की बात करते हैं तो कथक कहा माना जाता है कि जो इसका शब्द है कथा, कथा शब्द से ही इसका जन्म हुआ है। पहले पुराने जमाने में कथावाचक होते थे जो मंदिरों में कथाएं कहते थे, और कथा का कहने के साथ साथ वो एक नैतिक शिक्षा भी थी और मनोरंजन का भी साधन था। तो वो जो कथाएं कहा कहते थे, एक कोई ब्राह्मण देवता अकेले पुरुष बैठ के कथाएं कहा करते थे, फिर धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा संगीत ऐड हुआ, थोड़े जेस्चर ऐड हुए, हाथ पैर दुपट्टा लेके थोड़ा घूंघट लेके बताने लगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐड हुए, पहले तो मजीरा और प्रखावज होता था, फिर उसमें हारमोनियम भी हो गया और तबला भी हो गया, और आज जो हम नृत्य करते हैं तो हम अपनी बहुत सारे और भी इंस्ट्रूमेंट्स को उसमें ऐड करते हैं। फिर वो खाली एकल पुरुष नृत्य नहीं रहा, उसको युगल होने लगा, समूह होने लगा, नृत्य नाटिकाएं होने लगी, उसका विस्तार हुआ और उसमें कई घराने भी आ गए, जैसे हमारा जयपुर घराना है तो ज्यादा भक्ति से भरा है, वीर सब सब में वही बातें हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर उनमें है, वो ज्यादा भक्ति रस प्रदान है, ओज से भरा है, वीरत्व से भरा है। लखनऊ घराना है, बहुत प्रोमिनेंट तो है ही है, तो वो भरा हुआ है नजाकत से, नफासत से, रिफाइनमेंट से,
खूबसूरती से। तो वो क्यों है? क्योंकि हमारे क्षेत्र में खूबसूरती बसी हुई है, माने इत्र की खूबसूरती, रेवड़ी की खूबसूरती, चिकनकारी की खूबसूरती, जरदोजी की खूबसूरती, बातचीत की, बोलचाल की खूबसूरती, वो सारा उसमें इनहेरेंट हो गया है। फिर बनारस भी है जो भक्ति रस प्रधान है, एक रायगढ़ घराना भी है जो महाराज चक्रधर सिंह ने जयपुर और लखनऊ के लोगों को ही ले जाके वहाँ तालीम दिलवाई अपने यहाँ लोगों को। मेरे गुरुजी भी उसमें से थे, वो भी जाते थे, अच्छन महाराज जाते थे, वहाँ के लोगों को तालीम दी, फिर वो भी अच्छे नर्तक बन के निकले। तो इस तरह से हम घराने की बात करें, मैं मतलब आज घरानों को ऐसा कोई अर्थ बचा नहीं है, क्योंकि लोग एक दूसरे से बड़े आराम से लेते हैं, इंटरचेंज करते हैं और उसको अच्छा मानते हैं, और हम भी अच्छा मानते हैं कि जिसका जो अच्छी चीज़ हो उसको लो, उसको ग्रहण करो और उसको करो, तो ये एक अच्छी बात है। इसके लिए भी एक शेर बताती हूँ मैं आपको, लखनऊ की बात हम जहाँ कर रहे हैं, तो इसके लिए भी योगेश भाई ने बड़ी प्यारी बात लिखी थी कि लखनऊ वाले अलग जान लिए जाते हैं, लखनऊ वाले अलग जान लिए जाते हैं, क्योंकि मुझे अनुभव है, मैं कभी अगर बाहर किसी विदेश में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने गई, बातचीत की, तो पूछे थे आप लखनऊ से तो नहीं है, शायद एक बोलने का लहजा हम लोगों का होता होगा, तो लखनऊ वाले अलग जान लिए जाते हैं, फूलों में गुलाब, गुलाब फूलों में पहचान लिए जाते हैं। अब वो सिर्फ सलीका है, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई बहुत बोलने का एक ढंग है, एक बात है, तो ये भी एक सुंदर सी बात है। तो आज अगर हम कलाओं की बात करें तो जो बच्चे तालीम ले रहे हैं कलाओं की, ऐसा नहीं है कि उसमें करियर के आगे चांसेस नहीं है उनके पास। बहुत से जो कलाकार होते हैं वो सबसे पहले तो कलाकारी बनना चाहता है, मतलब वो मंच पे प्रदर्शन करना चाहता है, सबसे बड़ा, सब नहीं बन पाते हैं, लेकिन वो इच्छा यही होती है, क्योंकि हमें चाहिए वही दाद, आप लोगों का प्रेम, तो वो कलाकार बनते हैं। लेकिन और जो बच्चे हैं वो अच्छे शिक्षक भी बनते हैं, कुछ लोग स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में नौकरी करते हैं, कुछ अपना ट्यूशन करते हैं, कुछ बच्चे अच्छे कोरियोग्राफर बनते हैं, कुछ डायरेक्शन में जाते हैं, कुछ सांस्कृतिक पत्रकारिता को भी अपना एक बना लेते हैं। और आजकल क्योंकि म्यूजिक वाले बच्चों के लिए टीवी और जिंगल्स और रिकॉर्डिंग्स और इसकी बहुत गुंजाइश है, तो कुछ उसमें भी अच्छा काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब इवेंट मैनेजमेंट भी एक बड़ा बन गया है कि हाँ साहब हम, तो आप अगर बच्चे म्यूजिक या डांस या चित्रकला या इसी फील्ड में अगर तालीम देते हैं तो उनके लिए भी करियर की आगे संभावना है, उसको किया जा सकता है, वो आपको बहुत कुछ देता है, ऐसा नहीं आप ये ना सोचे कि हम इसमें, तो ये जो दिव्यांकर प्रतियोगिता है और इसमें बच्चे अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो एक हम लोग कहते थे ना सेंटेंस हमेशा, अरे पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी चीज है, आप जीतो या ना जीतो, तो मुझे लगता है ये सत्य है, पार्टिसिपेशन सचमुच बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम जब किसी प्रोग्राम की रिहर्सल करते हैं तो जो सुख उस रिहर्सल में मिलता है सचमुच वो स्टेज पे शायद नहीं मिलता है, वो इन्वॉल्वमेंट, वो उत्साह, वो कुछ अच्छा प्राप्त करने की कोशिश, वो मिलजुल के टीम वर्क, वो अद्वितीय होता है। तो वो एक बात है, पार्टिसिपेशन इज रियली इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि उससे आपको नहीं मिलता है, वो जरूरी है। तो अब आज की बात मुझे लगता है काफी लंबी हो चुकी है, और बोलने को तो मैं अगर संगीत कृति की बात हो तो बहुत कुछ कहना चाहूंगी, लेकिन अब बस इसको आप लोगों की, आपने बहुत प्यार से सुना, मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ, आप सबकी भी बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, लायक समझा। एक आखिरी बात मैं कह दूं कि इतनी सारी चीजें एक साथ कंबाइन करना शायद संभव नहीं है, मैं बिखर भी जाती हूँ बातचीत करने में, तो एक मीर तकी मीर का आखिरी शेर है, हमने जाना कि कुछ नहीं जाना, हमने जाना कि कुछ नहीं जाना, वो भी इस उम्र में हुआ मालूम।